इसका भी हम तो चाहते जो भी बने अच्छा बंदा बने जो हमारे देश को संभाल ले। आप देश के नागरिक है, आपकी आपकी इच्छा क्या? मेरी इच्छा तो है कि राहुल गांधी जी को बना दो। राहुल गांधी जी या राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी तो बननी चाहिए। मतलब कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कोई नेता आ जाए। अभी सांसद है मनोज तिवारी बीजेपी से, तो सांसद कौन बन जाना चाहिए? सांसद देखो बनना चाहिए जो काम करे। मनोज तिवारी जी ने आज तक यहाँ पे क्या काम करा? आए भी नहीं एक बार भी यहाँ पर। अच्छा। जब से बना है मनोज तिवारी, मनोज तिवारी तो दूर की बात है, हमारा एमएलए को नहीं पता कौन है जी। वो कब आता है उसकी शक्ल तक ही नहीं देख सकते हम लोग। तो सांसद कौन होना चाहिए? सांसद देखो अच्छा बने, चाहे बीजेपी का बने लेकिन ढंग का बने बंदा। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो एक बार शक्ल दिखा दे, हाँ पब्लिसिटी दिखाने के लिए पब्लिक इकट्ठी कर दो कि आज यहाँ पे प्रोग्राम है तो आज हमने आना है, और रात को दो दो बजे तक बेचारा परेशान करवाता है लोगों को, पब्लिक को जो इतनी परेशान होती है। कहीं पे हम किसी प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने आना था तो दोपहर में वो भी अपना काम छोड़ के आते। महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, सब अपना काम छोड़ के आते। तो सांसद चाहेंगे कि मनोज तिवारी नारे चेंज हो जाए? हाँ चेंज हो जाए। कौन बनेगा देश का पीएम? एक ही सवाल। मोदी जी। वजह काम उनका बढ़िया लग रहा है। क्या काम बढ़िया क्या मोदी जी ने? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। एक बता दीजिए। बताओ ना। एक बता दीजिए। जो हमारे देश में गरीबी सबसे पहले गरीबी वो हटाई है उन्होंने। अच्छा। जो चीजें हमने कभी नहीं देखी थी वो उन्होंने दिखा दी हमें मोदी जी ने। लोगों का कहना है कि कांग्रेस की तो नेता है राहुल गांधी, युवा नेता अच्छे नेता है। अब नहीं ना भाई, नहीं सपोर्ट करते नहीं। अभी सांसद है मनोज तिवारी। हाँ जी। दोबारा उनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? मिलना चाहिए। लोगों का कहना है उन्होंने दिखाई भी नहीं दी क्षेत्र में, काम नहीं किया। आए हमारे अमित तिवारपुर क्षेत्र में हूँ जी, बकायदा आए, तीन चार बार आए, हमेशा आते हैं जब बुलाया जाए, जब भी आते हैं। क्या नाम आपका? किशन लाल। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं भाई सर, जो हमारा नेता बढ़िया है। नहीं सपोर्ट तो आप करते हैं, बस अब लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में। दिखाई देते हैं, जो जमुने बिहार में रहते हैं हम आते हैं। वो क्या काम किया मनोज तिवारी ने? कोई एक काम बता दीजिए। काफी काम करे हैं, काम किया सबको दिखाई दो। काम तो करते ही है। सांसद टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, उन्हीं को मिलना चाहिए, मनोज तिवारी जी को मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम आपका? देवेंद्र शर्मा जी। अभी सांसद है मनोज तिवारी, हमारी विधानसभा की बात। अच्छा अच्छा। दोबारा टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मनोज तिवारी को? जैसे कि है वो हमारे पॉलिटिकल, मतलब किसी भी रिलेटिव नहीं है, वो एक एक्टर है, तो मेरे हिसाब से उन्हें नहीं मिलना चाहिए। जो पुराने मतलब रिकॉर्ड हो, जिनका पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नॉलेज हो, उन लोगों को मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से उन्हें नहीं मिलना चाहिए। सांसद चेंज हो जाना चाहिए आपका? सांसद चेंज होना चाहिए। देश का पीएम कौन होना चाहिए? हाँ मेरे हिसाब से हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और जॉब्स के मामले में मतलब अब निकाले हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में इस बार काफी सारी जॉब निकली हैं, तो मेरे हिसाब से कम एक प्रधानमंत्री को 10 साल तो देने चाहिए। 5 साल में एकदम से नहीं पता चल पाता कि कितना अच्छा काम हो रहा है, और उन्होंने 5 सालों में अच्छा काम किया है, तो मेरे हिसाब से उन्हें 5 साल और मिलने चाहिए बाकी काम करने के लिए। सुनने में आता है यूपी की जो आवाज है वो अखिलेश और मायावती को लेके है, आप क्या कहना है? देखो एक्चुअली सारी पॉलिटिकल पार्टी ना मोदी को हराने के लिए वो कंबाइंड हो रही है, तो जैसे आप बता रहे हो कि अखिलेश और मायावती हो रहे हैं और बाकी और भी हो रहे हैं, तो वो उन्हें हराना चाहते हैं, वो हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं, वो काम करने के लिए हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। मेरी पसंद इस टाइम मोदी है। अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम शिवम यादव है। यादव जी देश का पीएम कौन? देश का पीएम वही है जो सही तरीके से काम करेगा, देश का कल्याण करेगा। कौन? मेरे हिसाब से इस समय जो है कि देखा जाए जो पूर्ण बहुमत से या फिर जो अच्छे तरीके से सरकार बनाएगा वही प्रधानमंत्री हो जाएगा, होना चाहिए। बता रहा हूँ मेरी राय प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी जी। सांसद है मनोज तिवारी इस क्षेत्र से, उनको टिकट दोबारा मिलना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। लोगों का कहना कोई काम तो किया नहीं उन्होंने क्षेत्र में आए? ऐसा पूर्ण लोकतंत्र नहीं है ये, औचित्यपूर्ण लोकतंत्र है हमारे देश में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी राजनीतिक नेता है वो काम करता है या नहीं करता है, बात सिर्फ ये है कि वो कितना काम करता है और कहाँ तक लोगों के बारे में सोचता है। तो देखा जाए तो वो स्टूडेंट की भी आवाज़ सुनते हैं, यहाँ तक लोकल की भी आवाज़ सुनते हैं, और जिस तरह से राजनेता बिजी रहते हैं वो यहाँ पे आया के सभी लोगों को आश्वासन भी देते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको मिलना चाहिए टिकट। हाँ फोन छोड़ दे एक बार, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस राइट नाउ पीएम मोदी नरेंद्र मोदी है। कोई वजह? ही इज वेरी गुड पर्सन, गुड पर्सन फॉर इंडिया। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी नॉट गुड पर्सन फॉर इंडिया, ही कांट डू एनीथिंग इन फ्यूचर एज ए प्राइम मिनिस्टर, नोबडी लुकिंग टू हिम। योर चॉइस। राइट, योर चॉइस 100%। चलिए नाम बता दीजिए। माय नेम इज परवेज। थैंक यू सर। आप वोट करते हैं तो देश का पीएम कौन, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? अभी ये तो नहीं बता सकते अभी। आपके पसंद क्या है?
हमें पसंद मोदी जी है। हाँ जी, मोदी जी क्यों भाई? उन्होंने गरीबों की सहायता की है बहुत। क्या सहायता की है गरीबों की, कोई एक बता दीजिए। छाता भी खुलाया है, गैस भी फ्री में कराई है कनेक्शन, और भी सुविधा बहुत दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी आते हैं। देश को 70 साल हो गए आजाद हुए, राहुल गांधी ने कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा पहले तो नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आपकी पसंद जो है मोदी जी? अभिषेक जी, देश का पीएम कौन? राहुल गांधी। वजह? क्योंकि मोदी जी ने जितने वादे किए थे स्टूडेंटों से पूरे नहीं किए। पूरे नहीं किए? आप बताओ, बताओ। राहुल गांधी के बारे कोई विशेषता, कोई खास बात? अभी उन्हें मौका नहीं मिला, वो युवा है, अगर उनको मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा तो करेंगे युवाओं के लिए। नहीं, लोगों का कहना है कि राहुल गांधी तो पप्पू है, उनको जानकारी नहीं है। अरे लोगों को कैसे कहना, जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक आपके विषय में कोई कुछ भी परसेप्शन बना सकता है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आप उसके, जब आप काम नहीं कर पाएंगे तब लोग आपके विषय में परसेप्शन क्रिएट करें ना। देश को चलाने के लिए मोदी ठीक नहीं है? नहीं, मोदी जी ने जो वादे किए थे 5 साल पहले, 7 महीने मांगे थे, उन्होंने अपने वादे को फुलफिल नहीं किया। नहीं किया, तो जो देश को चला सकता है वो राहुल गांधी चला सकता है? आप देश को कोई भी चला सकता है, जो वहां पे बैठता है, कोई नेता जाके देश को नहीं चलाता। उसके लिए ना सिविल सर्विसेज से लोग चुने जाते हैं, नीतियां होती है, उससे देश चलता है। कोई नेता जाके वहां से कुछ करने नहीं सकता, कोई बैठेगा ना? आपकी चॉइस क्या है? हमारी चॉइस है, मोदी जी फुलफिल नहीं की अपनी वादों को, तो अब कोई दूसरा चुना जाएगा। तो आपकी चॉइस क्या है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ। थैंक यू। नहीं नहीं भाई, कोई भी बैठे लेकिन सही चलाए बस। नहीं, सही तो जब चलाएगा ना, जब आपका वोट सही जगह जाएगा। बिल्कुल जाएगा, आप इसके बारे में अभी नहीं डिसाइड होगा, जब दूंगा उस समय। हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट देंगे, हम चाहते हैं देश का पीएम बनेगा कौन, आपकी राय क्या है? मेरी राय भाई, सभी एक जैसे हैं, सभी जो भी, हाँ जो भी बैठे हैं वो सही चलाएं बस। मायावती ठीक है? नहीं नहीं ऐसा नहीं। अखिलेश? नहीं भाई, मोदी जी बैठे हैं लेकिन सही चलाएं बस। अभी मोदी जी आपके कहने के मुताबिक ठीक से नहीं चला रहे देश को? नहीं, बहुत तरह का, आप तो बोल रहे हैं कि ठीक से नहीं चला रहे। ठीक से चला रहे हैं ये नहीं कह रहा हूं, दोबारा आने चाहिए। आप बिल्कुल आएंगे, सही से आएंगे। सही से भाई, अपना नाम बता दीजिए। पूजो प्रसाद। प्रसाद जी, देश का पीएम कौन, एक ही सवाल। मोदी जी। वजह? आगे बढ़ा रहे हैं देश को। देश को आगे बढ़ा रहे हैं? 70 साल देश को आजाद हो गए, राहुल गांधी ने आगे नहीं बढ़ाया, कांग्रेस ने। इन्हें कहाँ बढ़ा, पिलर है। वो भी तो बढ़ाए, हाँ वो भी तो कुछ ना कुछ किए, किए है ना कुछ। राहुल जी क्यों रहे? मोदी जी के वोट दे रहे हैं, और तो जैसा बता रहे चोर आए नेता। अच्छा, हाँ राहुल गांधी ठीक नहीं है? कोई नहीं ठीक है। अखिलेश और मायावती भी तो ठीक है? कोई नहीं ठीक है। लालू प्रसाद? कोई नहीं ठीक है। तो कौन ठीक है? केवल मोदी के अलावा कोई नहीं ठीक है। सिर्फ मोदी ठीक है? मोदी ठीक है। देश को कौन चला सकता है? मोदी। मोदी, मोदी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। देश का पीएम कौन? हाँ जी, आप बता दीजिए, देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हाँ जी बताओ। देशराज जी, देश का पीएम कौन? पीएम कौन? पीएम तो मोदी बने। मोदी बनेंगे? राहुल गांधी नहीं। पुराने जो बुजुर्ग है उन्होंने चलाया, लल्लू ने चलाया। अच्छा, अभी कौन चला सकता है? मोदी चला रहा, मोदी चलाएगा। अच्छा, अभी जो सांसद है वो मनोज तिवारी है, दोबारा टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलना चाहिए। नहीं ना? वजह? अरे उसने कुछ करा नहीं, आया नहीं आज तक, तो दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए या दूसरा दूसरी पार्टी का होना चाहिए? पार्टी कोई भी हो, पार्टी का कोई भी हो, कोई दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए, कैंडिडेट दूसरा होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। थैंक यू भाई। रमेश। रमेश जी, देश का पीएम कौन? मोदी बनेगा, और कौन सा? वजह तो क्या, अच्छा काम तो कर रहा है, और क्या है? क्या अच्छा काम किया मोदी जी ने? तो कौन सा काम नहीं किया उसने, एक बता दीजिए आप। ये चौथी नंबर में देश को लाके खड़ा कर दिया, सब कह रहे हैं कि ये काम बता दो। अच्छा, आपको मोदी जी पसंद है? हाँ। चलिए, हाँ जी भाई, नाम बता दीजिए। पंडित तिवारी। पंडित जी, देश का पीएम कौन? मोदी। वजह? वजह अच्छा आदमी है, जो बात करता है वो करता है। लोगों का कहना है कि मोदी ने कोई अच्छा नहीं किया, सब झूठ बोला। वो तो अफवाह है, जैसे पप्पू करता है वैसे वो समझते हैं, सब पप्पू एक बनना चाहते हैं। मोदी ने जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी। वो तो अच्छा काम किया है ना, कौन गलत काम किया है? अच्छा काम है ये। हाँ, अच्छा काम है। आपकी पसंद? हम तो बहुत खुश हैं उससे। आपकी पसंद? हमें अच्छा है, मोदी अच्छा है। या चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।